कॉलेज हम नहीं, कोई करा एनएचआई में है, कोई करा एनएच में है, कोई करा स्टेट में है, ये क्या है जी? कोई मजाक बात नहीं, दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में सीएम धामी अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी देते नजर आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के ठीक बगल में वायरल आईएएस दीपक रावत भी मौजूद रहे। अपने वीडियोस के लिए फेमस दीपक रावत भी सीएम के सामने एकदम चुप हो गए और जी जी करते नजर आए। दरअसल हाल ही में सीएम धामी अधिकारियों संग एक बैठक में शामिल हुए थे। इस दौरान सीएम धामी सड़कों की खराब हालत और उन पर मौजूद गड्ढों के बारे में सवाल कर रहे थे। इस पर अधिकारी गोलमोल जवाब देने लगे। ये देख मुख्यमंत्री का पारा चढ़ गया और फिर क्या हुआ देखिए। हमारा ही हुआ सबसे बड़ा, हमारे सामने कोई कह रहा एनएचआई में है, कोई कह रहा एनएच में है, कोई कह रहा स्टेट में है, ये क्या है? यूपी इतने कहीं भी, यूपी और उत्तराखंड दोनों एक ही है एनएचआई सर, ये सब ठीक हो जाना चाहिए। आप देख लीजिए, नहीं तो मतलब ये ठीक बात नहीं है। ये की मतलब कि आप हो कि एनएच के पास है, वो कहें कि स्टेट के पास है, ये कोई मजाक बात नहीं है। दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़े, किसी को कुछ कहें, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। बैठक के दौरान सीएम धामी के तेवर देख अधिकारी भी सकते में आ गए। सीएम के ठीक बगल में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत भी बैठे हुए थे। सीएम ने दीपक रावत से कहा, ये क्या हो रहा है दीपक, आप इसको देखिए, दोबारा आया अखबार में तो देखिए अच्छा नहीं होगा, मुझे ठीक नहीं लगेगा कि किसी के खिलाफ कुछ लिखूं या कहूं, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, कमिश्नर साहब इसे सुनिश्चित कराइए। दोबारा अगर आएगा अखबार में तो मैं देखे फिर वो अच्छा नहीं होता कि हम किसी के खिलाफ कुछ लिखें, कुछ पढ़े, किसी को कुछ कहें, ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। आपको बता दें कि आईएएस दीपक रावत साल 2007 बैच के अफसर है और फिलहाल कुमाऊं के कमिश्नर पद पर तैनात है। आईएएस दीपक रावत की सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उनके नाम से बने पेज पर लाखों की संख्या में फॉलोअर्स हैं। उनकी गिनती देश के सबसे तेज तर्रार आईएएस अफसरों में होती है। यूट्यूब पर उनके फील्ड विजिट के वीडियोस चर्चा में रहते हैं।